गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू इन पायनियर कोचिंग सेंटर। आज कुछ नए क्लास के साथ, कुछ नए डिवाइस के साथ आपके सामने क्लास में उपस्थित हुए हैं। पहले क्लास में फैसिलिटी नहीं थी, जैसे माइक की फैसिलिटी, कैमरे की फैसिलिटी। कल से क्लास जो है ऑनलाइन शुरू होने वाला है, जो फर्स्ट ईयर क्लास शुरू हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा सिस्टम जो है अवेलेबल ना होने के कारण जो है सिस्टम से पढ़ाई हो रही थी। तो देखा गया कि फर्स्ट ईयर क्लास जो आ रहा है, आपको भी इस कैमरे से शूट करके जो वीडियो डाला जाता था, अब वो फैसिलिटी समाप्त हो गई। अब आप लाइव पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में या एलन में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उसमें जो पढ़ाई होती है जिस कैमरे से, यहाँ भी वो फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल हो गई है। अब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, आवाज़ एकदम फ्लुएंटली स्पष्ट रूप से क्लियर रूप से आपके पास पहुँचेगी। अब एक से जितने शब्द बोर्ड पर लिखे जाएंगे स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। आप कल आज के वीडियो में और कल के वीडियो में कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये बात सही है और आपसे हम सही बोल भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको झूठा दिलासा दिला रहे हैं, ये बात सही है। पहले आप भी देखते थे यहाँ कैमरा नहीं लगा होता, लेकिन कैमरा अवेलेबल हो गया है तो आवाज़ आपके पास स्पष्ट रूप से जा भी रही होगी। तो ठीक है, ये रहे संस्थान टेक्निकल डिपार्टमेंट की जानकारी। अब चलते हैं, हम अपनी जानकारी देते हैं। आज का क्लास जो है, कल के क्लास में पढ़ाए थे, अब स्लो बोलने के बाद भी आपके पास आसानी से आवाज़ पहुंचेगी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कल दो व्यंजक सिद्ध किए थे कैपेसिटर का, एक व्यंजक सिद्ध हुआ था आपका टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज एयर या वैक्यूम। आज क्लास है टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज डाइइलेक्ट्रिक सबस्टांस। तो ये दो क्लास आपके बोर्ड पर लिखा गया था, समझाया गया था, बताया गया था, लेकिन आज का टॉपिक दूसरा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर को जोड़ने के दौरान। इसके पहले एक बात कमेंट में बार बार आ रहा है कि कमेंट में बार बार आने के दौरान हम कमेंट चेक किए, कमेंट पढ़े आप लोगों का कि सर न्यूमेरिकल कब से बनवाइएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार जो है रिकेप कर रहे हैं कि नहीं सर बताइए न्यूमेरिकल कब से बनेगा, बताइए बताइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको हम बता देते हैं, आज बता देते हैं कि ये जो है न्यूमेरिकल आपका, जैसे ही इलेक्ट्रोस्टेट्स का कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर समाप्त होगा, आपका न्यूमेरिकल जो है, जैसे कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट्स का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाए हैं, लिखवाए हैं, समझाए हैं, सिद्ध किए हैं, ठीक वैसा ही आपकी क्लास में आप चैप्टर बाय चैप्टर न्यूमेरिकल बनवाएंगे। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर है चार्ज एंड इंटेंसिटी, तो उस पर जितने तमाम जितने न्यूमेरिकल है आपके क्लास में या आपके बुक में या आपके नोट्स में या आपके क्वेश्चन बैंक में जितने न्यूमेरिकल दिए गए हैं सबके टाइप पर बनवा देंगे, 7, 8, 10 जितना बनता है हर टाइप का एक एक क्वेश्चन बना देंगे। आप 10 टाइप देखने के बाद आप घर पर बैठकर खुद बनाना, आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, श्योर है बन जाएगा। उसके बाद आएंगे गॉस थ्योरम में, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला जितना है आपको शॉर्टकट में बोर्ड पर लिख देंगे। गॉस थ्योरम लिखने के बाद उस पर जितना टाइप का न्यूमेरिकल बनता है गॉस थ्योरम में, या 5 q/ε0 हो, या e/1/4π/ε02λr हो, या σ/ε0 हो, या σ/2ε0 हो, सभी फार्मूला पर जितना न्यूमेरिकल बनता है सभी एक एक न्यूमेरिकल बनवा देंगे। उसके बाद आपको होमवर्क भी दे देंगे, या आपके पास किताब है वहाँ से बैठ कर बना सकते हैं। सेम वैसा ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, सेम वैसा ही कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर में। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आपको ये पता चल गया, जानकारी हो गई कि न्यूमेरिकल कब से बनाएंगे। अब बार बार कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हम सोच रहे थे एक बार पूरा थ्योरी जो है, थ्योरम जो है सिद्ध कर देते हैं, शुरू से लेकर चैप्टर अंत तक इलेक्ट्रोस्टेट्स को समाप्त कर देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल बनवाना शुरू करेंगे। तो ये बार बार कमेंट कर रहे थे, हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे थे, जिस कारण आपका रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे। आज पढ़े हैं पूरा कमेंट, तो ये रिप्लाई आपका ये है कि जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनवाना शुरू कर देंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। वो हमको चिंता रहती है कि न्यूमेरिकल कब बनवाना है, पढ़ाना कब है, लिखवाना कब है, सुनना कब है और सिद्ध कब करना है। तो आपका न्यूमेरिकल जैसे चैप्टर समाप्त होगा न्यूमेरिकल क्लास शुरू हो जाएगा। न्यूमेरिकल पढ़ाने के बाद ही अगला चैप्टर लेसन 2 इलेक्ट्रिक करंट शुरू होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए। आज का क्लास है, क्लास का नाम है
combinations of कैपेसिटर। ये टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हिंदी बोलते हैं। संधारित्र का संयोजन, ये टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का संयोजन। आप देखे होंगे कभी रेडियो या टेलीविजन में जितने कंडेंसर जुड़े जाते हैं, कहीं सीरीज में जुड़े जाते हैं, कहीं पैरेलल में जुड़े जाते हैं, तो जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को आपस में एक दूसरे से कनेक्शन कर दिया जाता है, तो कनेक्शन करने के दौरान वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो तीन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बुर्क प्रिपेलिंग का डिफिनेशन देखते हैं। जब इसका कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का डिफिनेशन है, जब दो या दो से अधिक अधिक कैपेसिटर को एक साथ संयोजित किया जाता है तो वह कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को एक साथ संयोजित किया जाता है तो वह कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला इसका टाइप होता है, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन सब कैपेसिटर दो प्रकार के, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको। श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो ये कितने प्रकार के हो गए?
दो प्रकार के, एक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो गया समांतर क्रम संयोजन। तो ये आपका सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का संयोजन। जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को एक साथ संयोजित किया जाता है तो वह कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको हेडिंग कीजिएगा, इसको मिटकाते हैं, अब चलते हैं पढ़ने। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, इसको मिटकाए। मिटकाते हैं और पहला हेडिंग करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, देकर डैश दीजिएगा, बोला जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर ऐसे लिखिएगा, यहां से जब हटा दीजिए, दो या दो से अधिक कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब पहले कैपेसिटर का ऋण प्लेट दूसरे के धन प्लेट से तथा दूसरे कैपेसिटर का ऋण प्लेट तीसरे कैपेसिटर के ऋण प्लेट तीसरे दो या दो से अधिक कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब पहले कैपेसिटर का ऋण प्लेट दूसरे के धन प्लेट से तथा दूसरे कैपेसिटर का
रीड प्लेट तीसरे कैपेसिटर के धन प्लेट से आदि क्रम में आदि नहीं इत्यादि क्रम में जुड़ा हो। यह रहा सीरीज कॉम्बिनेशन की परिभाषा। दो या दो से अधिक कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब पहले कैपेसिटर का ऋण प्लेट दूसरे कैपेसिटर के धन प्लेट से तथा दूसरे कैपेसिटर का ऋण प्लेट तीसरे कैपेसिटर के धन प्लेट से इत्यादि का अर्थ हुआ दूसरे का चौथा, चौथे का पांचवा, पांचवा का छठा इत्यादि क्रम में जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन के नाम से जाना जाता है। इस यहां पर हम इसी में लिखिएगा या पर आप चीज को लिखो, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में आवेश की मान प्रत्येक कैपेसिटर पर आवेश के मान समान किंतु विभव के मान भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर से एक बार बोल देते हैं, सुन लीजिएगा। दो या दो से अधिक कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब पहले कैपेसिटर का ऋण प्लेट दूसरे कैपेसिटर के धन प्लेट से तथा दूसरे कैपेसिटर का ऋण प्लेट तीसरे कैपेसिटर के धन प्लेट से इत्यादि क्रम में जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में आवेश कैपेसिटर में प्रत्येक यहां इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में प्रत्येक कैपेसिटर पर आवेश के मान, यहां आवेश हटा दीजिए, प्रत्येक कैपेसिटर पर आवेश के मान समान किंतु विभव भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे विभव भिन्न भिन्न होता है? अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना कंडेंसर जोड़ा जाएगा वो सभी कंडेंसर एक हो या दो हो या तीन हो, वह सभी कंडेंसर में जितना कैपेसिटर जोड़ा गया सब पर आवेश के मान क्या होंगे? एक समान होंगे। अर्थात पहले कैपेसिटर पर आवेश क्यू है तो दूसरे पर भी क्यू होगा, तीसरे पर भी क्यू होगा, चौथे पर भी क्यू होगा, एन तक है तो क्यू एन होगा, लेकिन उन पर विभव का मान भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात पहले पर विभव भी वी वन है तो दूसरे पर वी टू होगा, तीसरे पर वी थ्री, चौथे पर वी फोर, एन तक है तो वी एन होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब चलते हैं इसको हम पिक्चर के द्वारा समझते हैं कि इसका पिक्चर कैसे बनाते हैं। एग्जाम में ऐसे आता है क्वेश्चन कि सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या समझते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करें या इसे प्रमाणित करें। तो ये रहा परिभाषा। परिभाषा लिखने के बाद अब चलते हैं इसका व्यंजक सिद्ध करते हैं। इसका पहले पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर समझाते हैं, उसके बाद सिद्ध करेंगे। बोर्ड पर देखिएगा,
पिक्चर देखिए, ये आपके तीन कैपेसिटर है, इसका नाम क्या है C1, इसका नाम है C2 और इसका नाम है C3। कितने कंडेंसर लिए गए हैं? 3, 1, 2, 1, 3। अब चाहो तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी ले सकते हो। इसको क्या करते हैं, अब तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। अब ये तीनों कंडेंसर को हम किस क्रम में जोड़ दिए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये रहा बैटरी, माना कि ये तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3 जिनका जंक्शन पॉइंट है A, B, C और D। बैटरी का विभव क्या है, यहां से यहां तक बैटरी का विभव है भी, तो आप जानते हो तीनों पर आवेश एक समान होगा लेकिन विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये रहा आपका V1, इसका विभव हो गया V2 और इसका विभव हो जाएगा V3। तो तीन कंडेंसर ऐड किए गए हैं C1, C2 और C3, सब पर आवेश क्यू 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 है लेकिन इन पर विभव क्या है, तो पहले कैपेसिटर पर विभव है V1, दूसरे पर है V2 और तीसरे पर क्या है V3। अब इन कंडेंसर को सीरीज में जोड़ने के दौरान इनमें तुल्य धारिता का नेट कैपेसिटेंस का व्यंजक ज्ञात करना है कि इसका तुल्य धारिता क्या होगी, अर्थात इसका व्यंजक क्या होगा, इसको प्रमाणित करना है, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले पिक्चर समझना जरूरी है, एक बार पिक्चर समझा देते हैं। माना कि तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं, प्रत्येक कैपेसिटर पर उपस्थित आवेश Q है, किंतु इस पर उपस्थित विभव V1, V2 और क्या है V3 है, और बैटरी का विभव क्या है V है। तो सिद्ध करना है कि इसका व्यंजक सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। अभी परिभाषा लिखा है कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब उन सभी कैपेसिटर का पहले कैपेसिटर का ऋण प्लेट दूसरे कैपेसिटर के धन प्लेट से एवं दूसरे का ऋण प्लेट तीसरे के धन प्लेट से इत्यादि का अर्थ हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि क्रम में जुड़ा हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। इसका पिक्चर बोर्ड पर बनाया गया है, पिक्चर को नोट कीजिए, हेडिंग कीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं
इसका भाषा तब सिद्ध करते हैं। बोर्ड पर देखिएगा, माना कि C1 कॉमा C2 तथा C3 तीन कैपेसिटर है। प्रत्येक कैपेसिटर पर आवेश क्यू तथा विभव V1, V2 तथा V3 है एवं बैटरी का विभव क्या है भी है। बैटरी विभव क्या हो गया भी है, लिख सकते हैं इसीलिए भी बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 तो कितने विभव हो गए 3। V1 प्लस V2 प्लस V3 ये तीनों V1 और V2 और V3 जो है क्या होगा भी के बराबर होगा, क्योंकि यह बैटरी का टोटल विभव क्या है भी है। तो जितना V1 V2 और V3 जो इनका योग जो होगा वो टोटल विभव क्या होगा बराबर होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। किंतु आपको हम पढ़ाया थे याद कीजिए, चूंकि भी बराबर सूत्र क्या पढ़ाए थे, तो भी बराबर फॉर्मूला पढ़े थे आप Q/C। क्या पढ़ाए भी बराबर Q/C, तो भी बराबर Q/C पढ़ाए हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो V1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग Q/C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा, तो Q/C2। और V3 बराबर क्या हो जाएगा, तो Q/C3। तो V बराबर Q/C, तो V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर Q/C3। ये रहा V1 का मान, V2 का मान और V3 का मान। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पर रख दे सबका मान, तो भी की जगह रखिए Q/C, यहाँ भी की जगह पर हो गया Q/C। अब V1 की जगह पर Q/C1, V2 Q/C2, V3 Q/C3। सब में Q है, बाहर निकाल लीजिए, सब में Q बाहर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब यहाँ हो जाएगा Q/सीरीज है, तो 1/CS, CS का अर्थ हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, तो इसीलिए 1/CS बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का व्यंजक 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में व्यंजक होता है यह केवल तीन नहीं बल्कि यह तीन से अधिक के लिए भी सत्य है। अगर चार हो तो सी फोर हो जाएगा, पांच हो तो सी फाइव हो जाएगा, सिक्स हो तो सी सिक्स हो जाएगा, एन हो तो डैश 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 प्लस सी एन हो जाएगा। तो ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का व्यंजक, यह तीन से अधिक के लिए भी सत्य है और इस क्रम में प्राप्त तुल्य धारिता का मान दिए गए संधित्र के धारिता के मान से हमेशा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सीरीज में आपका जो नेट कैपेसिटेंस ज्ञात होगा वो नेट कैपेसिटेंस जो होगा तुल्य धारिता जो होगी वो दिए गए संधित्र के धारिता के मान से हमेशा कम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस क्रम में प्राप्त तुल्य धारिता का मान दिए गए संधित्र के प्रत्येक संधित्र की धारिता से हमेशा कम होता है। आपको इस पर क्वेश्चन बनाकर दिखा भी देते हैं कि कम कैसे होता है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक छापिए, इस पिक्चर को बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी टाइम हो गया है, टाइम से याद आया कि फिर कल क्लास में आज इतना इसको छापिए, दो मिनट इसको लिख देते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा सा बचा हुआ है। नोट नंबर या नोट नंबर वन लिख लीजिएगा, यह तीन से अधिक के लिए भी सत्य है। और नोट नंबर दो लिख लेना कि इस क्रम में, किस क्रम में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस क्रम में प्राप्त तुल्य धारिता का मान दिए गए संधारित्र के मान से कम होता है। ये रहा नोट नंबर वन कि यह तीन से अधिक के लिए भी सत्य, अर्थात वन बाई सी एस बराबर वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई थ्री डैश 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 वन बाई सी वन के लिए भी सत्य है। और दूसरा नोट है कि इस क्रम में प्राप्त तुल्य धारिता का मान दिए गए कैपेसिटर के धारिता के मान से हमेशा कम होता है। तो इसको लिखिए, छापिए, समझिए, इसमें समझने वाला कोई पॉइंट नहीं है, एकदम आसान है, पूरा बोर्ड पर लिखा गया है। बैठ कर इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। टाइम खत्म हो गया, आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।